नमस्कार कैथल खबर से, मैं हूं विक्रम यादव। जो बच्चे विदेश जाने के इंटरेस्टिंग हैं, उन बच्चों के लिए आज आपको बता देंगे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट स्टडीज़ कंसल्टेंट द्वारा जो ग्लोबल एजुकेशन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है, आपको बता दें कि ग्रेस होटल में इस समय हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं विदेश जाने के, वो यहां पहुंच चुके हैं। हम अंदर एंट्री करेंगे। टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो 13 साल से कैथल में अपनी सेवाएँ दे रहा है और 2000 के आसपास बच्चों को विदेश भेज चुके हैं। तो अंदर होटल में हम ग्रेस होटल में एंट्री कर रहे हैं, जहां जो एजुकेशन एक्सपो 2022 लगा हुआ है, जिसमें आपको दिखाएंगे कि कितने जो एक्सपर्ट हैं यहां आए हुए हैं बाहर की यूनिवर्सिटियों के। अगर मैं बात करूं तो जो एक्सपर्ट आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, यूके और यूएसए से जो यूनिवर्सिटियों के जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ आए हुए हैं और जो बच्चों के डाउट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं। तो हम अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैथल में ऐसा पहला ये जो एजुकेशन एक्सपो है, जिसमें जो बच्चे सीधा जो संवाद है एक्सपर्ट से यहाँ कर सकते हैं और जो डाउट है वो अपने क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों से बातचीत करेंगे और जो टर्निंग पॉइंट के जो हेड हैं संदीप काद्यान और जो मैडम हैं डोली काद्यान, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से बच्चों को इस तरह के जो एजुकेशन एक्सपो लगते हैं, क्या कुछ बेनिफिट बच्चों को मिलता है और कैथल में ऐसा पहली बार लगाया है, किस तरह से मतलब जो कैथल के जो बच्चे हैं विदेश जाने की चाह रख रहे हैं उनको जो बेनिफिट मिलेगा इस एजुकेशन एक्सपो। तो हम जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का बेनिफिट बच्चों को यहाँ मिला है। बेटा क्या नाम है? जसप्रीत। कहाँ जाना चाहते हो? हम कनाडा। कनाडा जाना चाहते हो? तो जैसे एजुकेशन एक्सपो 2022 ये लगा है, तो किस तरह का बेनिफिट आपको यहाँ से इससे मिला है? बहुत अच्छा है। क्या कुछ पूछा जो यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट यहाँ आए हुए हैं, क्या कुछ डाउट थे आपके? भी वातावरण कैसा है और कैसे वहाँ पर काम जॉब मिलेगी और जी। और कैसे स्टडी करनी है वहाँ पर जाके? जी। तो आप सेटिस्फाई हो? यस सर। जो डाउट थे आपके क्लियर हो गए? यस सर। तो जैसे टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो टर्निंग पॉइंट द्वारा ये बच्चों के लिए सीधा ओपन एजुकेशन एक्सपो लगाया गया है, सैकड़ों बच्चे भी आए हुए हैं, तो सबको बेनिफिट मिलेगा इसका। यस सर। तो आज आप एक्सपो में पहुंचे, ग्लोबल एक्सपो में, तो क्या कुछ लगा जो ट्रांसपेरेंसी है, कहाँ तक लगी आपको? दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, बिकॉज ऑफ दिस आई कैन गेट मोर नॉलेज अबाउट मोर एंड मोर कॉलेजेस, बिकॉज इनकी वजह से मुझे पता चला जो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी कॉलेज के बारे में, बाहर के फॉरन के कॉलेज के बारे में, बट दिस टीचर्स आई कम टू नो अबाउट न्यू अप्रोच एंड न्यू मैथड विच इन विच कॉलेज आई कैन इन विच कॉलेज आई कैन एडमिशन, but with the help of this I can easily admission in any college which is very helpful for me. Education के लिए क्या कुछ goal है और कौन से आप country की तैयारी कर रहे हैं या कुछ दिमाग में category goal बनाया होगा? Well, मेरी preference Canada में है और मुझे वैसे Canada के college के बारे में इतनी information नहीं थी, लेकिन इनकी help से मुझे पता चला कौन से college बढ़िया है, कौन सा college थे मेरे लिए बहुत सही रहेगा और मेरी जो course है उसके लिए सही रहेगा, तो this is very good. कहाँ पर जाने की आपकी तैयारी है? मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छे से बताया कोर्स के बारे में, सब चीज़ के लिए होगी कोर्स वगैरह कोई डाउट्स वगैरह हो जो क्लियर उन्होंने किए, क्या कुछ डाउट आपके मन में आए? कोर्स के डाउट क्लियर किए और कोर्स कर लेके कहाँ पर जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो फुली सेटिस्फाइड है और अभी जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हाँ जी, जाने के। तो अब हमारे साथ टर्निंग पॉइंट के जो हेड हैं संदीप काद्यान वो मौजूद हैं, जो एजुकेशन एक्सपो 2022 लगा है, तो इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और जी सर, नमस्कार विक्रम जी, सबसे पहले हम लोग कैथल खबर का शुक्रिया अदा करते हैं ये कवरेज करने के लिए जी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना रिस्पॉन्स मिलेगा कैथल में जी। 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज जी। और आप देख रहे हो कि आज रश फुल है पूरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत हैं और हमारे यहाँ पे 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डेलीगेट्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स उनसे फेस टू फेस काउंसलिंग ले रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को असेस करवा रहे हैं और उनको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। सर कितना बेनिफिट बच्चों को मिलता है इस तरह के सर? इस इवेंट में हम लोग स्टूडेंट्स को जो टर्निंग पॉइंट का प्रोसेसिंग चार्जेज है उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं और एप्लीकेशन फ़ी वेवर मिल रहा है स्टूडेंट को, अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल रही है और जो स्टूडेंट्स पीटी और आइल्स करना चाहते हैं उनको डिस्काउंट कूपन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। सर मतलब डायरेक्ट जैसे बच्चों का शुरू हो रहा है कंट्री से जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, इसका कितना बेनिफिट बच्चों को मिलता है? सर देखो, आप सब देख रहे हो कि हमारे हर
डेलीगेट्स के पास सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनसे ऑप्शन ले रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। कैथल में पहली बार हो रहा है कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हम लोग लेकर आए हैं। टर्निंग पॉइंट कैथल में एक ब्रांड है। तो सर कौन से अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ से जो एक्सपर्ट आए हुए हैं? सर हमारे पास यहाँ से कनाडा से और यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूके और यूरोप से आए हुए हैं। अच्छा, तो क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से दोगे, जैसे पहली बार टर्निंग पॉइंट की ओर से ये इतना बड़े लेवल पे जो एजुकेशन एक्सपर्ट लगा रहा है, भविष्य में भी ऐसे लगते रहे? सर देखो, हम लोग 13 साल से टर्निंग पॉइंट कैथल यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्टूडेंट्स को विदेश में भेज रहा है, और हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। और हम लोग जो है एक मार्केट में हम लोगों ने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हम लोग कोई गलत कमिटमेंट नहीं करते लोगों के साथ। तो ये थे हमारे साथ टर्निंग पॉइंट के जो हेड हैं संदीप कादियान, जिनसे हमने बातचीत की एजुकेशन एक्सपो 2022 के बारे में, किस तरह से बच्चों को बेनिफिट मिलता है। तो आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितनी जो भीड़ है, बच्चे यहाँ आए हुए हैं। तो अब हमारे साथ मैडम है डॉली कादियान, उनसे बातचीत करेंगे एजुकेशन एक्सपो के बारे में, किस तरह से मतलब बच्चे यहाँ हिस्सा ले रहे हैं, क्या कुछ बेनिफिट बच्चों को मिलता है। जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम एजुकेशन एक्सपो 2022 आपने लगाया है जी, बिल्कुल। किस तरह से बच्चों को इसका बेनिफिट मिलता है? बहुत सारे बेनिफिट्स आज बच्चों को मिल रहे हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस में 50% ऑफ बच्चों को मिल रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट आइल्स और पीटी के डिस्काउंट कूपन्स बच्चे आज अवेल कर पा रहे हैं। एज यू कैन सी दैट वी आर रियली वेरी ओवरवेल्म विद द रिस्पॉन्स दैट वी आर रिसीविंग टुडे, सो वी वुड लाइक टू से थैंक यू टू द स्टूडेंट्स ऑफ कैथल सिटी एज वेल एज द नियर बाई एरियाज। तो मैडम बच्चों का कितना रिस्पॉन्स जैसे मिला, बच्चे जैसे सीधा डायरेक्ट मतलब जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत? यस बिल्कुल, ये आज बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो कि अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा। तो ये पहली बार जो कैथल में हो रहा है, बच्चे इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे संवाद होता था पहले यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ नहीं होता था, डायरेक्ट बच्चे मिल रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमने ये यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज कराया है, क्योंकि हमारे साथ तो जनरली स्टूडेंट्स बातचीत करते ही हैं, बट ये मौका जो आज बच्चों को मिला है डायरेक्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ बातचीत करने का, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अपने जो डाउट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स ने जो प्लस टू अपियरिंग है या फिर जो प्लस टू कर चुके हैं, वो आज आमने सामने बैठकर अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पा रहे हैं। मैडम जैसे रजिस्ट्रेशन आपने किए, तो कहाँ कहाँ से बच्चे यहाँ आए हुए हैं? बिल्कुल, हमारे पास बहुत काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं, लाइक हमारा जो चीका है, समाना है, इधर हमारी नरवाना बेल्ट है, ना सिर्फ कैथल से बल्कि आस पास के बहुत सारे एरिया से हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स आज अपनी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए आए हैं। तो मैडम अंत में बच्चों से जो यहाँ अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहोगे? मैसेज ये है कि जो स्टूडेंट्स ऑल दो यहाँ पर आए हुए हैं, वी होप कि उनके सभी डाउट्स और जो क्वेरीज हैं वुड हैव बीन आंसर्ड इन अ वेरी गुड वे, एंड देयर क्वेश्चंस वुड हैव बीन आंसर्ड इन अ वेरी गुड मैनर। बट स्टिल इफ दे हैव एनी डाउट रिलेटेड टू देयर आईएलटीएस, पीटी और देयर वीज़ा एप्लीकेशन, दे कैन स्टिल विजिट आवर ऑफिस दैट इज सिचुएटेड एट अंबाला रोड, टर्निंग पॉइंट कैथल, लोकेटेड ऑन अंबाला रोड कैथल, और यू मे कॉल एट 9050747778। थैंक यू। तो जो यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि एजुकेशन एक्सपो में बच्चों के क्या कुछ डाउट हैं और किस तरह से बेनिफिट इनको मिलता है। नमस्कार मैम। सो यहाँ दिस फेयर दे हैव ऑर्गेनाइज फॉर मेजरली कैनेडा, ऑस्ट्रेलियन, सम अदर कंट्रीज, स्टूडेंट्स आर क्वालिटी हियर एंड दे आर हैविंग डाउट्स रिगार्डिंग द आईएलटीएस रिक्वायरमेंट एंड द एडमिशन रिक्वायरमेंट टू अदर कंट्रीज, एंड ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ओपन अप आफ्टर 2 years, सो स्टूडेंट्स आर क्वाइट इंटरेस्टेड टू अप्लाई फर्दर, and we are here to sort the queries for them, and luckily hopefully that we can expect some students from the fair today. तो ये आप देख सकते हैं कितना जो बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है, जो डायरेक्ट जो यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ आए हुए हैं, और किसे जो अपने डाउट हैं बच्चे वो क्लियर कर रहे हैं। तो आप देख भी सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में बच्चे कैथल के अलावा आसपास से भी यहाँ पहुँचे हैं, और टर्निंग पॉइंट कैथल की अगर मैं बात करूँ तो 13 साल से अपनी सेवाएँ दे रहा है और 2000 से ज़्यादा बच्चों को विदेश भी भेज चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह मैसेज पहुँच सके। और हमने टर्निंग पॉइंट के जो हेड हैं संदीप कादियान, उनसे भी बातचीत की, उनका कहना है कि भविष्य में इस तरह के जो एजुकेशन एक्सपो हैं वो लगते रहेंगे, ताकि बच्चे
डायरेक्ट यहाँ कैथल में ही अपने जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकें, और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट बच्चों का रह जाता है तो टर्निंग पॉइंट कैथल में अम्बाला रोड पर आप जाकर अपने डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं।